हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं अपने ऑफिस से बना रहा हूं और आज कुछ फिर सीखते हैं हम लोग। तो आज मेरे सामने एक हैंडआउट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ जो टीवीटी कंडक्ट होता है वो एक हैंडआउट के माध्यम से भी होता है, ताकि किसी तरह का हम कोई मिस्टेक ना कर पाए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू कंडक्ट इफेक्टिव टीवीटी, जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने टीवीटी को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे उसमें जान डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी दिन की शुरुआत, अगर सुबह सुबह आपकी दिन की शुरुआत सही हो गया ना टीवीटी के थ्रू, तो फिर आपका पूरा दिन आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ जो है ना आज के जीवन में, हर चीज़ का अपना अलग अलग पहलू है। पहलू जैसे आप एक क्वाइंस देखेंगे जिसे हम लोग टॉस करते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी सुख दुख, ठीक है, हंसना रोना, हर चीज़ दो भागों में पड़ा है। उसी तरह एक इलेक्ट्रिकल भी ऐसा ही है, जिससे हमें आज के ज़माने में उसके बिना रह भी नहीं सकते, और शायद अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो ये हमें रहने भी नहीं देगा, ठीक है। तो हम आज इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हम कैसे करें और ये हमारे जीवन में कैसे खतरा हो सकता है, और अगर हमें इसका उपयोग करना है तो हमें क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिकल आज के समय में कितना इम्पोर्टेंस हो गया है। आप किसी इंडस्ट्री में हो, घर में हो, सड़क पे हो, हर जगह पे आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल की इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है कि शायद इसके बिना आप एक अच्छा जीवन भी नहीं जी सकते, इतनी परिस्थिति गंभीर हो गई है इसके लिए। जहाँ देखिए इसकी ज़रूरत है, हर जगह, एक दिन एक घंटे के लिए अगर हमारे यहाँ लाइट कट जाए तो हमें लगता है कि बस क्या हो गया, क्या खो गया है, तुरंत लोग सड़कों पे इधर उधर दिखने लगते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की कितनी ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है और जितनी ये हमारे लिए सुलभ, हमारे लिए प्रोवाइड कराता है, उससे ज़्यादा ये हमारे लिए ख़तरनाक भी है। अब ख़तरनाक कैसे है, इसके लिए कुछ तरीके हैं, जिस तरीके के बेस पे ये ख़तरनाक है। अब ख़तरनाक में रीज़न क्या हो सकता है, ये इसके जो हम अगर हजार्ड्स की बात करें तो कुछ हजार्ड्स जैसे हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगना, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल से किसी अनलीगल, अगर हम इसे गलत तरीके से इसका यूज करते हैं या गलत कोई इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, गलत डैमेज केबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि स्पार्क हो सकता है, अगर स्पार्क होता है तो फिर ये आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब स्पार्क जो होता है, ये स्पार्क ही रिजल्ट है हमारे लिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना हजार्ड्स के बारे में, तो जो स्पार्क होता है ये कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। लेकिन स्पार्क क्यों होता है, वो चीज़ हमारे लिए हजार्ड होता है। कहीं लूज कनेक्शन है, वहाँ पर स्पार्क हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, किसी केबल का, दो केबल अगर एक दूसरे को क्रॉस वे कर रहे हो तो वहाँ पे इसका फ्रिक्शन हो सकता है, वहाँ पे आपको स्पार्क दिखने को मिल सकता है। कहीं ज़्यादा ओवरलोडिंग वाली इक्विपमेंट्स हो, वहाँ पे आपको स्पार्क दिखने को मिल सकता है। कहीं वेल्डिंग ग्राइंडिंग ये सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ पे आपको अगर हाउसकीपिंग अच्छी नहीं है तो वहाँ देखने को मिल सकता है कि स्पार्क का क्या नतीजा हो सकता है। अगला चीज़ है जलना। अब जलना जैसे अगर हम किसी डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रिक वायर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसे चीज़ों से अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमारे शरीर में जला देता है। कहीं भी आप जाकर कोई कहीं टच करता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लैक धाबे पड़ सकते हैं, वहाँ पे जल भी सकता है, ठीक है। उसके बाद है ब्लास्ट होना, कोई इक्विपमेंट्स हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है कि जिस पे अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है या ज़्यादा ओवरलोडिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें ब्लास्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है कि फायर होना, फायर होने के पीछे क्या चांसेस है। फायर होने के पीछे जैसे मैंने बताया स्पार्क के बारे में, अगर कहीं कोई स्पार्क हो रहा है तो वहाँ से ही फायर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं कोई इक्विपमेंट्स है, कोई मशीन है, अगर बहुत दिनों तक हम उसका रेगुलर सुपरविज़न नहीं कर रहे हैं
तो भी वहाँ पे फायर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई इक्विपमेंट्स या मशीनरी काफ़ी कंटिन्यू समय से चल रही है, जैसे कोई 6 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे, मीन्स उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उससे मोर देन टाइमिंग आप कंटिन्यू उसको चला रहे हैं, कोई रेस्ट इंटरवल नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गर्म होगा, वहाँ का सरफेस भी गर्म होगा और वहाँ फायर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सारे कुछ रीजन्स है जो हमारे जीवन में इलेक्ट्रिक को एक घातक रूप में साबित करते हैं, कि जहाँ ये हमें सावधानी, हमें सुलभ सुविधा पहुँचाता है, वहीं कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब बात आती है कि हम बिजली से सुरक्षा किसकी करें, ठीक है। तो बिजली से जो सुरक्षा करनी है वो 3 तरह की करनी है। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले मानव जीव जंतु, आजकल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी देशों में जंगलों में कहीं आग लग जाता है, लाखों हजारों संख्या में लोग भी मरते हैं, मवेशी भी मरते हैं, जीव जंतु भी मरते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हम मनुष्य को, जीव जंतु को मरने से बचाएं। दूसरी चीज़, हमें जो भी अप्लायंस लगे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या किसी अदर तरह की मशीनरी लगी है हमारे घरों में या इंडस्ट्री में, जहाँ भी, उन सारी चीज़ों को हम ख़राब होने से बचाएं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है, ठीक है, जैसे एक हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इसके साथ में मैंने बोर्ड लगाया हुआ है जो हमारे इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है। तो अगर हम उस बोर्ड की सर्किट कोई ख़राब है या गलत तरीके से उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कोई ख़राबी हो, तो वो उस बोर्ड को भी ख़राब करेगा और साथ ही साथ हमारा इस कंप्यूटर को या लैपटॉप को, जो भी अप्लायंस उससे जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को भी ख़राब करेगा। तो हमें इन तीनों से चारों चीज़ों को हमेशा केयर में रखना है, कि मनुष्य को भी बचाना है, जीव जंतु को भी बचाना है, साथ साथ किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को भी और उससे जुड़े हुए जो भी अप्लायंस है, उन सारी चीज़ों को भी बचानी है। अब बात करते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के संपर्क में आते हैं, तो इलेक्ट्रिक हमें किस तरह से जोखिम पहुंचाता है या इलेक्ट्रिक से हमें किस तरह से खतरा हो सकते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप जैसे ह्यूमन की बात करें या किसी जीव जंतु की बात करें, तो उसमें आप मशीन की तुलना से थोड़ी ज़्यादा अलग डिफरेंट इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कोई मशीनरी जल सकती है फिर उसको बना सकते हैं हम, लेकिन जब वही प्रभाव किसी मनुष्य पे देखेंगे, किसी मानव जीव जंतु पे देखेंगे, तो उसका प्रभाव थोड़ा घातक हो सकता है। इसमें जान भी जा सकती है आपकी, आपके हाथ पैर या जहाँ भी टच कर सकता है वहाँ पे, वहाँ ब्लैक धाबे पड़ सकते हैं, जल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक में सबसे जो बड़ी नुकसान होता है वो होता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जबकि अचानक अगर कभी झटका लगता है तो मनुष्य की जो धड़कन होती है, जो हमारी हार्ट बीट चलता है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर आप झटका आपको लगता है इलेक्ट्रिक का, अगर आप कहीं हाइट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ से गिरने के भी चांसेस हो सकते हैं। मांसपेशियों में संकुचन हो सकता है, आपका जल सकता है, जो देखने में आपके यहाँ में भी हो सकता है कि आपको देखे होंगे किसी वीडियोज़ में, या आजकल ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है, इसको हर तरह से वायरल किया जा रहा है ताकि लोग इसके प्रति अवेयर हो सके। अगर इसके हमारे शरीर पे करंट का असर की बात करें, तो 1 मिली एम्पियर से अगर 8 मिली एम्पियर तक इसका करंट है, तो इसे हमारा शरीर से ऑब्जर्व कर सकता है। अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो 8 मिली एम्पियर से अगर 15 मिली एम्पियर है, तो मनुष्य को झटके के साथ साथ थोड़ा दर्द होता है, लेकिन आप इसे सहन कर सकते हैं एडल्ट लोगों के लिए। 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर में झटके के साथ दर्द होगा, नसों का नियंत्रण नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर है, तो आपकी नसें सिकुड़ सकती है, श्वास लेने में भी आपको दुविधा हो सकती है। इसके अलावा 50 से अगर 100 मिली एम्पियर है, तो आपके यहाँ जान जाने की पूरी तरह से संभावना है, सांस लेने में आपकी काफ़ी समस्या हो सकती है। और 100 मिली एम्पियर से अगर ज़्यादा आपको झटका लगता है, तो ऑन द स्पॉट जान आपकी जा सकती है। इन सारे चीज़ों से आपको बचना है। फिलहाल कुछ हम पॉजिटिव थॉट्स देखते हैं इलेक्ट्रिकल के प्रति। जो हमें कभी इलेक्ट्रिक की वर्क करनी हो, तो इस चीज़ को कंसीडर कर लेना चाहिए वर्क स्टार्ट करने से पहले। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है कि इलेक्ट्रिकल का कर्मचारी कहीं पे काम करने आता है, तो सबसे पहले उसके पास वर्क परमिट होना चाहिए। जब हम वर्क करने जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क पे, तो हमें सबसे पहले वहाँ से एक परमिट लेना है, जो कि हॉट वर्क परमिट का हो सकता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल के वर्क को आसानी से कर सके, जिसके द्वारा हम
वर्क परमिट जैसे ना कि रिटर्न डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें आपको हर तरह के सुविधा, उसमें खतरे, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद पावर सप्लाई को कभी भी बंद करके ही आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करने का प्रयास करें, जिसमें आपको पता होगा कि लोटों का इस्तेमाल होता है, लॉकआउट टैगआउट का, जिसके माध्यम से हम किसी भी लाइव इलेक्ट्रिक सोर्स को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आपके पास पीपीज प्रॉपर होना चाहिए जो कि एक इलेक्ट्रिकल वर्किंग के लिए ज़रूरी हो। उसके बाद कभी भी आप डबल इंसुलेटेड केबल का ही प्रयोग करें, डबल इंसुलेटेड वो जो भी आपके टूल्स हैं, जो प्लायर वगैरह, स्क्रू ड्राइवर, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करें। किसी तरह का कोई इंसुलेशन उस पर छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिजली के उपकरण को काम करते समय अपने साथ एक कम से कम असिस्टेंस को जरूर रखें, क्योंकि आपको कभी लैडर पकड़ना पड़ सकता है, या आप कहीं हाइट पे काम कर रहे हो तो आपको नीचे से कोई वस्तु पकड़नी पड़ सकती है, ठीक है। जहाँ भी आप इलेक्ट्रिकल की वर्क कर रहे हो वहाँ पे हाउसकीपिंग करनी ज़रूरी है, उस केस में काफ़ी ज़्यादा जब आप किसी तरह का कोई हॉट वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल ये कुछ खास चीज़ें था जो इलेक्ट्रिकल के बेसिक पे था। फिलहाल अगर आपको किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड हो, किसी PPT की, किसी ट्रेनिंग मटेरियल की, या किसी TBT हैंडआउट की, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको किस थ्रू चाहिए, व्हाट्सअप के थ्रू, मेल के थ्रू। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम दिन प्रतिदिन वो सारी चीज़ें आपके पास पहुंचाते रहेंगे जो एक वर्कसाइट पे एक सेफ्टी वाले के लिए और वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए जो रिक्वायर्ड है।